इसमें नोएडा डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन महिला शक्ति के अंदर। और इसका मेन मकसद यही है कि हमारे यहाँ नोएडा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है या किसी बुजुर्गों को कोई मतलब कोई भी स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ कि आपके जितनी भी स्कीम्स हैं उसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आप हमारे डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करिए, आपका हम पूरा मसला हल करेंगे। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है हम उसके लिए हमेशा आपके लिए हाजिर है, आपने कुछ नहीं करना है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि एजुकेशन की बहुत कमी है, अभी भी हमारा फुली एजुकेट यहाँ पे है नहीं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर सर्विस आप स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप कोई ना कोई गलती कर लेते हैं, लेकिन आपको डिपार्टमेंट वाले वो नहीं बोलते कि आपकी गलती थी इसलिए आपको बेनिफिट नहीं मिला उस स्कीम से। तो हमारे इस डिपार्टमेंट में इतनी स्कीम्स हैं पूरे सोशल वेलफेयर में, इसके अलावा भी हर एक डिपार्टमेंट में हर एक जगह स्कीम्स है, लेकिन उनका बेनिफिट मैं लोगों को जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को उसका फायदा मिले जिनको जरूरत है, नरेगा है, उसके अलावा हमारे सोशल वेलफेयर में जितनी स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसमें एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसका फर्स्ट बेबी बर्थ होगा उसका 6,000 मिलता है, प्लस आपको जो भी आप जब फर्स्ट डिलीवरी करने जाते हैं हॉस्पिटल वहाँ पे आपको 1400 मिलता है। मुझे आज तक हमें भी जितनी जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट मैंने हाफ डिस्ट्रिक्ट कवर किया है, मेरे को बहुत शिकायतें आई है ज़्यादातर मैरिज असिस्टेंट की, मुझे नहीं पता है असर ब्लॉक में अभी तक मैंने किया नहीं है। हाँ यहाँ मैंने ठंडा पानी में किया था पीछे ब्लॉक दिवस में, उससे अलग मैं इधर असर में नहीं आ पाया हूँ, इसलिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आप मैं इस बार आया हूँ और आप लोग हमें सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको अगर कोई दिक्कत है आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ऑफिस है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ICDS, तो आपको पता ही होगा जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर है उसका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस है, वहाँ पे हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे साथ आके वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी लेडी को कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत हो या उसको कोई मार पिटाई हो रही हो और उसको वो चाहती है कि वो किसी को बताए भी नहीं, उसके और नाम भी सामने नहीं आना चाहिए, तो उसने सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक नंबर डायल करना 181 पे आपके लिए एक वन स्टॉप सेंटर खुला हुआ है स्पेशली फॉर वुमेन, ठीक है। और वहाँ पे आपने जाके वो अगर आप चाहते हो कि आप वो वहीं पे मैटर क्लोज करेंगे, वो वहाँ आपकी काउंसलिंग करके वहीं पे मैटर खत्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कोर्ट या पुलिस के थ्रू जाना, वो आपको सारी हेल्प करवाएंगे। इसके लिए यही है मैन हमारे इन सब जरूरत इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि हमें पता है कि आज तक हमेशा एक औरत पे अत्याचार ही हो रहा है, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है, उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है। अगर इन ऐसा होता रहा तो आज जो सेक्स रेशियो हमारे नोएडा डिस्ट्रिक्ट में 1000 मेल है और 874 फीमेल है, इतना कम सेक्स रेशियो क्यों है? क्या आप जानते हैं कि मतलब कोई भी प्रेफर नहीं करता है लड़की होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, अगर लड़की होगी तभी तो लड़का भी होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं आप लोग उजागर हो कि आपको पता चले कि अगर कोई भी क्राइम हो रहा है आप आगे आए हेल्प करें एक दूसरे की, ये ना हो कि अगर कोई किसी को मार भी रहा है आप बोलोगे मारता है मरने दो, हमें क्या फर्क पड़ती है। और मेन लोगों की आजकल यही मेंटालिटी होती है यार कोई लड़ भी रहा होता है कोई उसके बीच में नहीं जाता, मैं नहीं बोलता आप उसको बीच में जाओ, आप उसकी हेल्प करो किसी और तरीके से, बहुत सारे तरीके आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। और आपको मतलब एक्टिव रहना है कि आपको पता चलना है कि हर एक स्कीम का आपको पता होना है, और उसके लिए आप मैन जो होते हैं आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, वर्करों को सारी स्कीमें पता होती है, वर्करों को बोलना चाहिए कि आपके लिए ये स्कीम है, आम लोगों को पता नहीं होता है, या सरपंच साहब होंगे मेंबर होंगे उनको भी पता होती है, उनको भी बोलना चाहिए कि इनकी स्कीम्स ये स्कीम है आप इसका फायदा, और ये स्कीम बनी है गरीबों के लिए और फायदा उठाते हैं इसका वो लोग जिनको जरूरत ही नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि ये इन स्कीमों का फायदा गरीब उठाए और गरीब का हक बनता है कि ये स्कीमों का फायदा उठाए। मेरी ये गुजारिश है सरपंच साहब से भी कि वो अपने जितने भी पंचायत उसमें पता करें कि किसको कौन सी स्कीम में बेनिफिट नहीं मिला, वो मुझे कॉन्टेक्ट करे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले ले, मुझे बताएं कि ये स्कीमों में इनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मैं देखता हूँ अगर उनको बेनिफिट नहीं मिला क्यों नहीं मिला, कौन आपका बेनिफिट खा गया, कौन आपका फायदा जो था वो खा गया। मैं चाहता हूँ कि सरपंच साहब जो है ये यहाँ पे पूरी आप अपने कम से कम अपनी पंचायत का ध्यान रखना चाहिए कि सारी स्कीम का इनको बताना चाहिए जो भी आपको पता है। देखो सर जो आपको नहीं पता है उसमें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना आपको पता चलता है आपने बताना है, ठीक है। दूसरी बात
हमने इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जो कि परसों था 8 मार्च को, और हर साल 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेन डे। और अभी हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी लेडीज को बुला और हमने उन लड़कियों को अवार्ड दिए जिन्होंने कुछ अचीव किया लाइफ में, जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, हमने उनको अवार्ड दिए कि वाकई में इन्होंने अपनी सोसाइटी में कुछ काम किया। लेकिन वो पढ़ लिख के बने, हम लोगों के यहाँ के गांव के लोगों की क्या सोच होती कि हमारी लड़की अगर 10वीं पास करे बस खत्म, उसकी पढ़ाई खत्म, उसने करना क्या है, उसकी शादी कर दो, चाहे वो 18 साल की नहीं भी हो तब भी उसकी शादी कर देनी है, जो कि कानूनी जुर्म है। इसलिए बच्चों को पूरा हक दो, बराबर दो, लड़का हो या लड़की, सबको जीने का हक है और सबके राइट्स हैं, और किसी के राइट्स को हम नहीं खत्म कर सकते। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।